आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करना है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में और भी टॉपिक पर जिक्र कर चुके हैं। अब देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सोर्सेज इफेक्ट एंड रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि कोई भी चीज़ें होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंप्लीफाई होती हैं, चाहे कोई भी चीज़ें हों वो क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंप्लीफाई होती हैं। तो इस बारे में बताने से पहले हम आपको तीन सिंप्लीफाई के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या होगा, एक क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, जो कि किसमें सिंप्लीफाई होता है, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किसमें सिंप्लीफाई होगा, ग्लूकोज में, ठीक। और प्रोटीन किसमें होगा, एमिनो एसिड्स में, फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। फिर से देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में सिंप्लीफाई होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में, फैट, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बताने जा रहे हैं कि फूड हमारा किस ऑर्गन से होते हुए किस ऑर्गन तक जाता है, ठीक, या किस चीज को किस एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट करता है किस चीज में, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ क्या लिखा है, ऑर्गन्स लिखा है, ठीक है। ऑर्गन्स मतलब हमारे बॉडी के किस पार्ट या किस ऑर्गन से होता है। सोर्स लिखा, उसका सोर्स क्या होगा। एंजाइम्स लिखा, किस एंजाइम के थ्रू। सब्सट्रेट, सब्सट्रेट यानी कि किसको किस चीज में रिजल्टेंट प्रोडक्ट, मतलब किस चीज में कन्वर्ट करेगा या उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या है, पहला ऑर्गन हमारा क्या है, माउथ है। पहले फूड हमारा कहाँ से जाता है, माउथ से जाता है। तो पहला ऑर्गन क्या है, हमारा माउथ है। फिर सोर्स क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। सोर्स क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में हमारा क्या पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। एंजाइम्स क्या होगा, अमाइलेज। अमाइलेज में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, ठीक है। अमाइलेज में कौन सा एंजाइम होगा, टाइलिन, ठीक, टाइलिन होगा। अब यहाँ आप लोग क्यों पी से स्टार्ट हुआ, क्योंकि पी क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक। पी हमारा क्या होगा, साइलेंट। तो क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड हुआ, फिर अमाइलेज हुआ। अमाइलेज में कौन सा एंजाइम होगा, टाइलिन होगा, ठीक। फिर क्या होगा, सब्सट्रेट क्या होगा, स्टार्च होगा। यानी कि अब यहाँ भी ये कह रहा है कि टाइलिन नामक एंजाइम्स जो है, या अमाइलेज में जो टाइलिन नामक एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे, स्टार्च को कन्वर्ट करेंगे शुगर में, ठीक है। टाइलिन नामक जो एंजाइम्स हैं वो स्टार्च को कन्वर्ट करेंगे शुगर। अब क्या है, हमारा स्टमक है। स्टमक का सोर्स क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो, उसमें कौन सा एंजाइम्स होता है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन। रेनिन भी होता है, बट रेनिन का उतना रेनिन का उतना फंक्शन नहीं होता है जितना पेप्सिन का होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग किसकी बात किए, पेप्सिन की, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम्स होगा इसमें। फिर सब्सट्रेट यानी कि पेप्सिन किसको, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स एंड एमिनो एसिड्स में। पेप्सिन जो होगा हमारा, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स एंड एमिनो एसिड्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पैनक्रियाज है। नेक्स्ट क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का सोर्स क्या है, पैनक्रियाटिक जूस। क्या है, पैनक्रियाटिक जूस। फिर क्या होगा, ट्रिप्सिन होगा। पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम्स होता है, ट्रिप्सिन होता है। कौन सा, ट्रिप्सिन होता है। फिर क्या सब्सट्रेट करेगा, यानी कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स एंड एमिनो एसिड्स, यही होगा, ठीक है। जो ट्रिप्सिन होगा प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा किसमें, पेप्टोन्स एंड एमिनो एसिड्स में, ठीक है। फिर अब देखिए, ये पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस है, इसी में क्या आएगा हम लोग का, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आएगा, अमाइलेज आएगा, लाइपेज आएगा। ये सारी चीज़ें किसमें आएगी, पैनक्रियाटिक जूस में आएंगी, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पेप्टाइडेज को किसमें कन्वर्ट करेगा, एमिनो एसिड में। ये एज लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, पेप्टाइडेज। तो इसका मतलब क्या होता है, इस एज का मतलब क्या होता है, एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम, एंजाइम होगा ये। इसका मतलब, एंजाइम मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, किसको, फूड को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो क्या होगा, कार्बोक्सी पेप्टाइड क्या करेगा, पेप्टाइडेज को, पेप्टाइडेज मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, एंजाइम। यानी कि जहां पर ये वर्ड आए लास्ट में एस, वहां समझ लीजिए एंजाइम आया है, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक। तो पेप्टाइडेज को किस में कन्वर्ट करेगा, ये एमिनो एसिड्स में। अब देखिए, अमाइलेज होगा, कौन सा एंजाइम, अमाइलेज।
अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसमें? सुगर में। किसमें कन्वर्ट करेगा? सुगर में। स्टार्च हमारा क्या होता है? पॉलीसेक्राइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेक्राइड। और सुगर हमारा क्या होता है? डाइसेक्राइड होता है। डाइसेक्राइड यानी कि यहाँ पर होगा माल्टोस, ठीक। ये ऊपर वाले में हम लोग को भी यहाँ होगा पॉलीसेक्राइड, यहाँ होगा डाइसेक्राइड, यहाँ पे क्या करेंगे? सुगर। कौन सुगर? माल्टोस, ठीक है। क्या होगा हमारा? माल्टोस। समझ में आया? फिर देखिए लाइपेज हुआ। लाइपेज में कौन सा सब्सट्रेट्स होता है? फैट्स होता है, यानी कि लाइपेज फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स में। लाइपेज हमारा फैट को कन्वर्ट करेगा किसमें? फैटी एसिड्स में, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में देखिए पैनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? ट्रिप्सिन होते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइड होता है, अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ठीक। तो देखिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड्स में, ठीक। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है वो पेप्टाइडेज को कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड्स में, ठीक। फिर क्या होगा? अमाइलेज है, अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करेगा सुगर में। यहाँ पॉलीसेक्राइड, ये क्या है? माल्टोज है, जो कि डाइसेक्राइड होता है, ठीक। फिर लाइपेज है, लाइपेज फैट को किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड्स में, ठीक। अब देखिए हमारा क्या है नेक्स्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट और नेक्स्ट ऑर्गन क्या है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सोर्स देखिए क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। तो देखिए इंटेस्टाइनल ग्लैंड में कौन से एंजाइम्स होते हैं? एमिनो पेप्टाइडेज। क्या होता है? एमाइनो पेप्टाइडेज होता है। क्या? एमाइनो पेप्टाइडेज होता है। अब यहां भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। एस का मतलब क्या हुआ? क्या बताए थे ऊपर? एंजाइम बताए थे। एंजाइम का मतलब ब्रेक डाउन होना, किसका? फूड का, ठीक। फिर क्या है? एमाइनो पेप्टाइडेज होता है वो पेप्टाइडेज को, ठीक है, पेप्टाइड्स को, पेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा किसमें? एमिनो एसिड्स में। एमाइनो पेप्टाइडेज जो होता है वो पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड्स में, ठीक। फिर क्या है? माल्टोज, यानी कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड में ही माल्टोज भी एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक। तो माल्टोज, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लूकोज में। माल्टोज होता है वो माल्टोज को ही कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार इसको आपको बता दे रहे हैं। देखिए क्या होगा? माउथ होगा, ठीक है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम्स होता है? अमाइलेज होता है। अमाइलेज में टाइलिन होता है। टाइलिन स्टार्च को कन्वर्ट करता है सुगर में, जो कि हमारा स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेक्राइड होता है। सुगर माल्टोज होता है, जो कि डाइसेक्राइड होता है, ठीक। नेक्स्ट स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन होता है। पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स एंड एमिनो एसिड्स में, ठीक। नेक्स्ट पैनक्रियाज होगा। पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस सोर्स होता है, उसमें एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड, ठीक है, अमाइलेज और लाइपेज, ठीक। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड्स में, ठीक है। और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कौन सा एंजाइम? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होता है वो किसको कन्वर्ट करेगा? पेप्टाइडेज को कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड्स में, ठीक। अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करेगा सुगर्स में, ठीक। फिर क्या है? लाइपेज, लाइपेज फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सोर्स होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, जिसमें एंजाइम होता है एमाइनो पेप्टाइडेज और माल्टोज होता है। एमाइनो पेप्टाइडेज पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा और माल्टोज, माल्टोज को ही कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। इतना समझाया? अब देखिए नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट, अब हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में होता क्या है? तो देखिए क्या होता है कि इसमें ये बताया जाएगा कि फूड हमारे किस ऑर्गन से किस ऑर्गन तक जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा फूड किसके थ्रू जाता है, या फूड को हम इंटेक करते हैं किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। इसलिए यहाँ पहले नंबर पर माउथ दिया गया है। तो माउथ देखिए क्या कर रहा है? इंटेक ऑफ होल फूड, यानी कि पूरे फूड को हम लोग इंटेक करते हैं माउथ के थ्रू, ठीक। फिर माउथ में हमारा क्या होता है? टीथ होता है। इसलिए नेक्स्ट नंबर पर क्या है? टीथ है हमारा। तो टीथ में क्या है? चेविंग ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड को चबाने और फूड को पीसने का कार्य कौन करता है? हमारा टीथ करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्या है? टंग है हमारा।
टंग क्या का टंग का क्या कार्य होता है, रोलिंग ऑफ फूड, फूड को रोलिंग करना, यानी कि हम जब फूड को माउथ में लेते हैं तो अपने टंग के द्वारा क्या करते हैं, फूड को इधर उधर ले जाते हैं माउथ में ही, लेफ्ट राइट ऐसे इधर उधर लेके जाते हैं माउथ में ही फूड को, तो वो क्या करता है रोलिंग का काम करता है। ठीक, फिर यही टंग हमारा किसका कार्य करता है, टेस्टिंग का काम करता है। टेस्टिंग का यानी कि जब फूड आप लेते हैं माउथ में या फूड लेते हैं तो किस टाइप का फूड ले रहे हैं आपको कैसे पता चलता है, कैसे टेस्ट उसका पता चलता है, टंग के द्वारा, कि मीठा है कि नमकीन है कि तीखापन है। ठीक है, वो सारी चीज़ें किससे पता चलती है, हमारे टंग के द्वारा। ठीक, फिर टंग क्या करता है, स्वेलोइंग ऑफ फूड, यानी कि टंग हमारा किसका कार्य करता है और किस चीज का कार्य करता है, फूड को स्वेलो करने में, फूड को निगलने में भी कार्य करता है, कौन, टंग। ठीक, तो अब इसके बाद देखिए क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है, म्यूकस भी होता है, और म्यूकस का क्या कार्य है, स्टार्च को सलाइवरी की प्रेजेंसी में अमाइलेज के थ्रू किस में कन्वर्ट करेगा, फूड को, शुगर। ठीक है, म्यूकस जो होता है वो स्टार्च को सलाइवरी के प्रेजेंसी में अमाइलेज के थ्रू शुगर में कन्वर्ट करेगा, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेगा, शुगर में, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ईसोफेगस हुआ, ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, ईसोफेगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप, ईसोफेगस को और क्या कहते हैं, फूड पाइप, ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। अब देखिए फूड पाइप या ईसोफेगस का क्या कार्य है, टेकिंग फूड फ्रॉम स्टमक टू टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या है, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि ईसोफेगस का क्या कार्य, ईसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा फूड को माउथ से स्टमक में ले आता है। ठीक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा फूड को माउथ से स्टमक तक ले आता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक न्यू वर्ड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अब देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है, तो देखिए फूड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाना, या तो फूड को जिस मूवमेंट के द्वारा एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाते हैं उस मूवमेंट को ही क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक, अब हमारा क्या है, स्टमक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टमक, स्टमक, अब स्टमक क्या करेगा, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में कितने एंजाइम्स होते हैं, 3 एंजाइम्स होते हैं, पहला क्या है, पेप्सिन, जो कि पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, पेप्सिन क्या करेगा, किसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। फिर HCl होता है, HCl एक एसिड होता है जो कि हमारे स्टमक में होता है। फिर क्या है, म्यूकस, म्यूकस क्या करेगा, जब हमारा HCl हमारे स्टमक में इंक्रीज होता है, HCl जब बढ़ने लगता है तो हमारी स्टमक की वॉल बर्न होने लगती है, तो बर्न होने से कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या करेगा, हमारे स्टमक के वॉल को HCl से बर्न होने से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लीवर होता है, लीवर क्या सिक्रेट करेगा, बाइल, बाइल यानी कि बाइल जूस। ठीक, बाइल जूस इमल्सिफाई करता है स्मॉल पार्टिकल्स में, इमल्सिफाई करेगा किसको, फूड को, स्मॉल पार्टिकल्स में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, विलाई है, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उभार नुमा स्ट्रक्चर होता है उंगली की तरह। ठीक है, एक हमारे फिंगर की तरह उभारनुमा स्ट्रक्चर होता है, क्या, विलाई। तो विलाई का देखिए कार्य क्या है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, यानी कि ब्लड में फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, कौन, विलाई, विलाई क्या करता है, ब्लड में फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लास्ट ऑर्गन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ फूड, यानी कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो एक्सेस वाटर होते हैं उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, फिर क्या लिखा है, द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वियर द एनस, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए कोई भी उपयोगी नहीं होता है, कोई भी यूजफुल नहीं होता है, तो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी से हमारे रिमूव होता है किसके थ्रू, एनएस के थ्रू,
किसके थ्रू रिमूव होता है, एनएस के थ्रू। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में माउथ होता है, माउथ से हम फूड को इंटेक करते हैं, फिर उसके बाद टीथ आता है जो कि पीसने और चबाने का कार्य करता है, फिर टंग आता है जो कि रोलिंग का कार्य करता है यानी कि फूड की लुगदी बनाता है, टेस्टिंग टेस्ट करता है उसका स्वाद बताता है कैसा है, फिर स्वेलो करता है निगलने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है सलाइवा को, और म्यूकस होता है, म्यूकस का कार्य क्या होता है, स्टार्च को सलाइवरी के प्रेजेंसी में अमाइलेज के थ्रू क्या करेगा, शुगर में कन्वर्ट करेगा। ठीक, ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, ईसोफेगस का क्या कार्य होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाता है। फिर स्टमक होगा, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को, गैस्ट्रिक जूस में थ्री एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन में ब्रेकडाउन प्रोटीन को ब्रेकडाउन करता है, HCl एक एसिड होता है जो हमारे स्टमक में होता है, और म्यूकस क्या होता है, इस HCl के बढ़ने से जो हमारे स्टमक का वॉल होता है वो उसको बर्न होने से प्रोटेक्ट करता है, कौन, म्यूकस। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लीवर होता है जो कि बाइल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, फिर इमल्सिफाई करेगा स्मॉल पार्टिकल्स में किसको, फूड को। फिर क्या है, विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो उसका क्या कार्य होता है, ब्लड में फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, वाटर एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, फिर क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उसको एनएस के थ्रू क्या करेगा, रिमूव करेगा हमारी बॉडी से। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन करिए।